बिना प्रत्याशी के कांग्रेस लड़ेगी इंदौर में चुनाव, भाजपाइयों में मची भगदड़। बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग चुका है। उसके प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। अब वे इंदौर सीट पर नोटा का समर्थन करेगी, साथ ही साथ स्किल के हर वार्ड में छोटी छोटी सभाएं करेगी। कांग्रेस का कहना है कि वह किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पहले बूथ कैप्चर होते थे, अब प्रत्याशी ही कैप्चर हो रहा है। ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस अब चुनाव नहीं लड़ रही है, उसका चुनाव चिन्ह ही निकल गया। लेकिन ये लड़ाई अब न्याय की है, इंदौर की राजनीतिक अस्मिता की है। चुनाव का बहिष्कार हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास नोटा का विकल्प है। जीतू पटवारी ने निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर कहा कि उन्हें हमने बीजेपी से बचाया है। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी पर सवाल उठाए हैं और कहा कि नामांकन वापस लेने का समय 3 बजे का था, लेकिन 4 बजे तक चीजें चलती रही। कांग्रेस किसी को समर्थन नहीं देगी। बीजेपी लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन यह स्थिति है कि किसी को चुनाव भी नहीं लड़ने दिया जा रहा है। सत्ता है तो अपनी मनमानी चल रही है। अब कांग्रेस का दायित्व बन चुका है कि बीजेपी को सबक सिखाना है। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी थी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।